दिल्ली के आबकारी नीति घोटाले में अब प्रवर्तन निदेशालय यानी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने तीसरे आरोपी को सरकारी गवाह बना लिया है। अगर कहें कि दूसरे और तीसरे आरोपी को तो बस ज्यादा उचित होगा, जिसमें चर्चित नाम है वाईएसआर कांग्रेस के सांसद के बेटे राघव मगुंटा, उन्हें सरकारी गवाह बनाया गया है। इस मामले में दिनेश अरोड़ा को भी सरकारी गवाह बनाया गया है और शरत रेड्डी तो पहले से इस मामले में सरकारी गवाह थे। दिनेश अरोड़ा अकेले ऐसे अभियुक्त हैं जो सीबीआई के भी सरकारी गवाह हैं, सीबीआई के मामले में और ईडी के मामले में भी सरकारी गवाह हैं। फिलहाल इन्होंने ये अपील की थी अदालत से कि वो सरकारी गवाह बनना चाहते हैं। ईडी से उन्होंने बात की थी, ईडी के अधिकारी को उन्होंने कहा कि उनके पास ऐसे बहुत सारे राज हैं जिनका वो खुलासा करना चाहते हैं, लेकिन इसके लिए उन्हें सरकारी गवाह बनने की जरूरत है और इस पर अदालत ने अपनी मंजूरी दे दी है। और इसके साथ ही अब ईडी ने उनसे जो सारी जानकारियां ली हैं सरकारी गवाह होने की वजह से, अब उन्हें उन सारी जानकारियों को रिकॉर्ड पर लेके आना है और ये अदालत को ये बताना है कि कहां कहां क्या क्या चीजें जो बचाव पक्ष है यानी जो मनीष सिसोदिया का पक्ष है और बाकी अन्य सरकारी अभियुक्त हैं उन सारे लोगों का कि दलीलों में कहां पेच है और कहां क्या चीजें उनके खिलाफ काम करती हैं। और चूंकि ये सारे अपराध में एक साथ 120 बी में ये सारे साजिश में शामिल रहने के आरोपी रहे हैं, लिहाजा इनसे बेहतर और कोई नहीं बता सकता कि आखिर केस में कहां कहां गड़बड़ियां थी और किन किन परिस्थितियों का किन किन चीजों का फायदा उठाया गया, कैसे फर्जी डॉक्यूमेंट बनाए गए, कैसे चीजों को अपने फेवर में दुरुस्त किया गया, अपने फेवर में उन्हें फेरबदल किया गया, तो वह तमाम चीजों की जानकारियां ये सारे अभियुक्त सरकारी गवाह बनकर ईडी को बताने वाले हैं। यानी ईडी के मामले में ईडी जिन सारी चीजों को साबित करना चाहती है अदालत में, उसमें इन सारे लोगों के सरकारी गवाह बनने का काफी फर्क पड़ेगा, क्योंकि शरद रेड्डी अरविंदो फार्मा के सर्वे सर्वा है, करता धरता है, तो जाहिर है कि उस कंपनी के साथ इनकी कैसे साठगांठ हुई या कैसे इन्फ्लुएंस किया, कैसे दबाव में लिया, कैसे प्रभाव में लिया दिल्ली सरकार ने, तो इन तमाम चीजों पर बातचीत होगी। और ऐसे में राघव मगुंटा वो खुद एक बड़े उद्योगपति हैं और ये शराब के कारोबार से उत्पादन से जुड़े हैं, लिहाजा वो भी ये बताएंगे कि आखिर किस तरह से चीजें आगे बढ़ी और कैसे ये पूरी नीति बनाने में कहां कहां चीजों का अपने हिसाब से मोल्ड किया गया, उसे मॉडिफाई किया गया। तो फिलहाल सारे लोगों को इंतजार है कि राघव मगुंटा भी अब इस मामले में जो अभियुक्त थे अब वो सरकारी गवाह बन गए हैं, तो क्या क्या खुलासे करते हैं ये आगे आने वाली सुनवाई में देखना वाकई दिलचस्प होगा। संजय शर्मा, दिल्ली।